देखिए दोस्तों, ये बगर लॉक की बच्ची है। ये देखिए इस तरह से इसको बगर लॉक की बच्ची आती है। आज हम आपको ये बना के बताएंगे कि इसकी बगर लॉक की बच्ची किस तरह से आती है। ये देखिए, ये बगर लॉक की बच्ची है, आपको दिखाई दे रही। और इसका क्लैंप किस तरह से बनता है, एसी डक्टिंग पाइप भी कहते हैं दोस्तों इसे। आज हम आपको बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। देखिए दोस्तों, ये एक इंच, ये पच्ची के लिए। दोस्तों, आप कितना भी साइज़ का लो, चाहे 18 इंच लो, 12 इंच लो, या 13 इंच लो, या 15 इंच लो, लेकिन उसके लिए पच्ची एक इंच की लगेंगी दोस्तों। से ये 5 इंच दोस्तों, 5 इंच यहाँ से तैयारी की 5 इंच लेना है दोस्तों। तो यहाँ से 5 इंच ये दोस्तों ये फंसने के लिए दोस्तों पच्ची। ये देखिए दोस्तों, कोई भी साइज रख दो आपका, यहाँ से जो 5 इंच लिए आप 12 भी रख सकते, 13 भी रख सकते, 15 भी रख सकते, या फिर 18 भी रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसके लिए ये 200 देंगे पच्ची, कोई भी साइज से रखेगी तो। और ये 10 ही 1 इंच आएंगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जिस तरह ये मार्किंग मारे, सेम इधर आगे भी इसी तरह मार्किंग मार देना है। ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसकी मार्किंग खींच डालना है, इस तरह से इसे मिला के इस तरह से मार्किंग खींच डालना है। ये सबको इसी तरह से मार्किंग खींच डालना है दोस्तों। ये हम खींच डालते हैं दोस्तों ताकि आपका वक्त बचे। देखिए दोस्तों, इस तरह से इसकी मार्किंग मार देना है, इस तरह से 1-1 इंच की मार्किंग मारना है। ये देखिए, इस तरह से 1 इंच की मार्किंग मारना है, इधर भी 1 इंच की मार्किंग मारना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम 13 इंच लेंगे तैयारी, यहाँ से 13 इंच लिए। देखिए 13 इंच बाद इस तरह से मार के मार देना है। फिर ये 1 इंच आ गया दोस्तों, ये देखिए ये 1 इंच आ गया। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसकी मार के मार देना है, और सेम इधर आगे भी इसी तरह मार के मार देना है। ये देखिए, और इस तरह से इसकी मार्किंग खींच डालना है दोस्तों। जिस तरह ये मार्किंग खींचे उसी तरह इसकी मार्किंग खींचना है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसके मार्किंग मार देना है। ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से काटिंग निकाल लेना है, इस तरह से काटिंग निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से खिचका मारना है, ये जैसा ऐसे में खिचका मारना है। इस तरह से मार देना है दोस्तों, इस तरह से मार देना है। ये देखिए, ये 200 का है, 200 को भी इस तरह से खर्चा मारना है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये जिस तरह है सेम इधर भी ऐसे मारना है। देखिए दोस्तों, ये ऐसा हर एक लगेंगे हमें, ये देखिए दो लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से क्रॉस लेना है पहले मजबूती के लिए दोस्तों, ये ताकि हवा से फड़फड़ न करे। ये देखिए, बाद में ये ले लेना है इस तरह से। इसे भी सेम इसी तरह लेना है। इसे यहाँ मिला देना है, तो यहाँ से बर्न हो जाएगा ये। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मार देना है। और ये देखिए दोस्तों, ये 200 की है, इसे अंदर निकाल लेना है इस तरह से, इस तरह से इसके अंदर लेना।
मिक्सर हाथ में लेना है इसको, ये है, इसे 200 छोड़ देना दोस्तों, इधर इतना इधर से 200 छोड़ देना है, ये देखिए इस तरफ पिट डालना है दोस्तों, अच्छे से पिटना है, इस तरह से पिट डालना है दोस्तों, और इसी तरह से डालना है, इस तरह से बिंग कराना है, देखिए दोस्तों इस तरह से दो लगी है, इसमें चार पीस वाला भी आता है, या अलग या अलग ये क्या लगी, दोनों अलग अलग आते हैं दोस्तों, वो शीट हैवी होने की वजह से अलग अलग आता है दोस्तों, इसे दो पीस कहते हैं। ये देखिए दोस्तों ये खुला रहता है पच्ची के लिए, और ये फंसने वाली पच्ची रहती है दोस्तों, ये बगर लॉक की पच्ची है, इसे इस तरह फंसा देते हैं इस तरह से, ये देखिए इसे लेवर रख के इस तरह से फंसा के, ये देखिए दोस्तों ये लेवल चाहिए हमें, इस तरह से मार के ये लेवल चेक करना है बस, और इस तरह से मार देना है दोस्तों, इस तरह आगे मारते जाना है, इस तरह से मारते जाना है दोस्तों। इसे भी लेवल कर देना है, यस अगर इस तरह से लेवल नहीं तो इस तरह से मार के लेवल कर देना है, ये इस तरह मारते जाना, इस तरह मारते आगे आगे जाना है, ये देखिए और यहाँ मारते जाना है, इसकी जो बार्डर है दोस्तों पहले यहाँ इसे इस तरह से अंदर मारना है, इस तरह से हमारे मार के इस तरह लेना है दोस्तों, इस तरह मारते जाना है, ये देखिए दोस्तों इस तरह से पच्ची मार जाती है, इस तरह से पच्ची मारी जाती है दोस्तों उसकी, ये देखिए दोस्तों अभी एक इंच का है, इसे इस तरह रख के बिल्कुल है, इस तरह से निकाल लेना इसकी कोर, सेम ऐसे डालना है इसको, ये देखिए इस तरह से निकाल के, ये देखिए इस तरह से निकाल देना है,
दोस्तों देखिए दोस्तों, अब इसकी जो क्लैम आएंगे दोस्तों वो बताएंगे। दोस्तों ये छोटा बनाने का मकसद मेरा ये है कि आपको अच्छे से समझ में आए और आपका वक्त भी बचे, इसलिए मैं छोटे पार्ट्स बना के बताता हूँ। ये हमारे भाई ने कमेंट किया था, वीकी गुप्ता ने, कि डक्टिंग के पार्ट्स बना के बताओ, और बहुत से भाई आए। तो दोस्तों मैं छोटे बना के बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपका वक्त बचे। तो इसकी फ्रेम बनाना है हमें। अभी ये अंदर जाने के लिए आधा इंच, जिसकी ऐसी फ्रेम बनाना है, पहले आधा इंच इस तरह से आधा इंच लेना पड़ेगा। फिर दोस्तों ये एक इंच की बॉर्डर है हमारी, देखिए एक इंच की बॉर्डर है, ये देखिए एक इंच की है। तो हमें एक इंच आधा सूत लेना है, थोड़ा थोड़ा सा बढ़के लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये आधा इंच आधा सूत बढ़के लेना है। फिर ये वापस एक इंच लेना है, ये एक इंच आधा सूत, फिर ये एक इंच इस तरह से मार मार दे रहे हैं। तो इधर भी वैसे मारना है, देखिए दोस्तों ये आधा इंच, फिर एक इंच आधा सूत, फिर इधर से एक इंच इधर से। देखिए दोस्तों ये सात इंच है, देखिए सात इंच है। देखिए दोस्तों ये सात इंच है, सात इंच इधर से सात इंच लेना है, सात इंच इस तरह से मार्किंग मार देना दोस्तों, इस तरह से मार्किंग मार देना। और दोस्तों देखिए इधर से एक इंच की मार्किंग मारना है, इस तरह से एक इंच, और इधर से भी इधर से भी एक इंच की मार्किंग मार देना है। बस इसकी बड्डी की बन जाती है दोस्तों, ये आप खुद बड्डी बना देंगे, ये बड्डी भी काम होता है, लेकिन हम जो नवे हैं दोस्तों सीखने वाले उनको बताना ज़रूरी है। तो ये बनाए और ये मार्किंग खींच डालना है दोस्तों इस तरह से, ये यहाँ तक भी खींचे चलता, ये हमारे यहाँ तक ही जाएगा। और ये देखिए इससे पूरी मार्किंग इस तरह से खींच डालना है दोस्तों यहाँ तक, यहाँ ये कटिंग की मार्किंग है दोस्तों, ये इस तरह से मार्के तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से काट के निकाल लेना है। और ये देखिए आखिर की ये इसे भी काट के निकाल लेना है, ये देखिए खस के किस तरह से मारते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ से आधा इंच था, ये देखिए इस तरह से इसे थोड़ा क्रॉस लेना है, ये देखिए इस तरह से लेना है, इसे इधर से वैसे लेना है दोस्तों, सीधा लेके इसे क्रॉस ले लेना है दोस्तों। ऐसे हमें और तीन काटना है, ये मिला के चार, ये चार इस तरह चार लगेंगे दोस्तों हमें, ये इसे चार काट डालना है। देखिए दोस्तों इधर से एक इंच की मार्किंग मारी हुई है और इधर से एक इंच की मार्किंग मारी हुई है, इसका खसका मारे हुआ है। तो हमें इस तरह से पहले इसे बेंड करना है, ये देखिए इस तरह से बेंड कर देना है, और दोस्तों यहाँ से इस तरह से बहुत आसान है दोस्तों, बस इस तरह से थोड़ा सा हाथ से बेंड कर डालना है अदर अदर, ये देखिए, और इसे भी हाथ से थोड़ा सा बेंड कर डालना है आधा इंच वाली को इसे, ये देखिए बस इस तरह से चारों बेंड कर डालना है हमें। देखिए दोस्तों चार नंबर रिपीट लेना है कड़क वाले, यहाँ इस तरह से रख देना है, और ये देखिए दूसरा लेके इस तरह से मिला देना है इस तरह से, इस तरह लेके देखिए इस तरह से मार देना दोस्तों, ये मिली हुई रहना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इस तरह से तैयार कर डालना है, ये देखिए दोस्तों
इसे इस तरफ पकड़ा है भैया, इस तरह से ले लेना है, इस तरह पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरह, इस तरह ले लेना है, ये देखिए दोस्तों इस तरह से मार के, ये ऊपर का हिस्सा है, इस तरह मार देना, ये देखिए इस तरह से मार देना है, अदर अदर लेना है दोस्तों, तो कैसे लेना है तो हल्का हल्का ऐसे लेना है दोस्तों, और ये हेवी रहेगा तो हेवी रहेगा, मार देना ये देखिए, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे, जब तक के लिए अलविदा दोस्तों।